कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रुद्रपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोर्ट की फाइलों को लेकर उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने फाइलों में लगाए गए नोट्स की हैंडराइटिंग और आरसीएमएस पोर्टल अपडेट न होने पर संबंधित मामले में जांच के आदेश देते हुए कर्मचारियों से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जाँच में दोषी पाए जाने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को समय समय पर तहसील के निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा ये भूले से ये तो आपको खतौनिया तो अच्छा सत्यापित प्रति की बात हो रही है। जी 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 वैसे तो भूले से निकाल सकते हैं ना, आने की भी जरूरत नहीं है। कौन करता है सत्यापित? बार बुलाओ साहब जी। हाँ जी वहाँ पे देखते हैं बाकी बाइक्स कहाँ रहती हैं। रुद्रपुर है, इसका औचक निरीक्षण किया गया और इसमें बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी लगी जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। एक तो जो बहुत पुराने मामले तहसील में लंबित हैं कोर्ट डेट्स के, उनको नियमित रूप से डेट्स नहीं मिल रही हैं। जब डेट्स मिल भी रही हैं तो उसमें आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सी जगहों पर तहसीलदार के सिग्नेचर्स भी मौजूद नहीं हैं। सिमिलरली जो 143 के मामले हैं उसमें जो मूवमेंट होता है फाइलों का, कब जा रही हैं ऊपर, कब लौट रही हैं, कोई जवाब दे ही नहीं है। कुछ फाइल्स में किसी की हैंडराइटिंग मिली है जिसका कोई बता ही नहीं रहा कि हैंडराइटिंग आखिर है किसकी, क्योंकि बड़ा सीरियस मसला है। सरकारी फाइलें हैं, इसमें कोई भी हैंडराइटिंग अपनी लिख दे, इसके लिए जांच करवाई जा रही है और इसमें जो संबंधित है उनका दायित्व भी तय किया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर दोषी पाए गए तो दंडित भी किया जाएगा। कुछ एक फाइल्स ऐसी मिली हैं जिनमें कोई तारीख नहीं है। अब तारीख नहीं होने से कई सारी इसमें मैल प्रैक्टिसेस भी जन्म लेती हैं। भाई कब आवेदन किया, कब रिपोर्ट आई, जिम्मेदारी तभी तय होती है और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। उसमें भी तहसीलदार का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अनडेटेड फाइलें इस तरीके से क्यों चल रही हैं। और सिमिलरली कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनमें आदेश भी हो चुका है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सिग्नेचर नहीं हो रहा है, जो कि एक गंभीर मसला है। सब कुछ हो चुका है, 143 में रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, उसके बाद अननेसेसरी उस पर दोबारा नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, एक तो पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, काम को सरल करना है ना कि और मुश्किल बनाना है। रिपोर्ट एक बार आ गई है कि संस्तुति है, उसको हम दोबारा लौटा रहे हैं तो हम आसान काम को भी कठिन बना रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और SDM को भी कहा गया कि नियमित रूप से तहसीलों को देखें। मासिक बैठकों में कई बार हम केवल कागज़ों समीक्षा करते हैं और उसमें नहीं पता चल पाता दिक्कत क्या है। मौके पर जब समीक्षा होती है, फाइल्स देखी जाती हैं तो काफ़ी कमियाँ भी पता चलती हैं और जो उसमें सुधार होने चाहिए, आगे जाके सिस्टम ठीक होना चाहिए, वो भी है। सिमिलरली यहाँ पे जो RCMS का पोर्टल है जिसमें पोर्टल में केस दर्ज होता है, क्या अगली डेट है, वादकारी को भी पता चलता है, वो भी 4-5 महीने से अपडेटेड नहीं है। इसमें भी संबंधित का स्पष्टीकरण मांगते हुए एक्शन लेने के निर्देश मेरी ओर से दिए गए। आपको बता दें कि तेज तर्रार ऑफिसर दीपक रावत बिना बताए अक्सर निरीक्षण पर निकल जाते हैं। इस कड़ी में रुद्रपुर तहसील में अचानक निरीक्षण करने आए, जिससे वहां के कर्मचारियों में हड़कंप सा मच गया। साथ ही कुमाऊं कमिश्नर ने वहां आए लोगों की समस्याओं को भी सुना और उनकी समस्याओं का निदान करने के आदेश भी दिए हैं। आपके भट्टे की जमीन आपको कब्जा कभी मिला होगा? किसी शमशाद ने कब्जा कर लिया? किन लोगों ने कब्जा किया? कितने पहले किया कब्जा? ये आप लोगों को मैंने पेड़ लगा के बुलाया। कितने पहले कब्जा किया? ये नहीं सर,
मैंने आपको बुलाया था, आप आए नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैंने जानने वाला कब्जा कब किया? हम बहुत पहले चकबंदी मैंने घर के अपने नाम से करा लिया बहुत पहले बहुत पहले वो ये कैसे उस पर हम बैठे थे, हमारा पट्टा था चकबंदी में केस दायर करते थे अपने नाम करा लिया। मैं शायद डॉक्यूमेंट पहले कराई ना उसने, काफी पहले होगा यही कहना है इनका। क्या मतलब है जब बैठे आप तो कब्जा होगा? नहीं अपनी कैसे हटाया जबरदस्त चकबंदी के दौरान किया आवाज़ इंडिया के लिए रुद्रपुर से तापस विश्वास की रिपोर्ट।